हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो भी मेरा न्यू व्यूअर्स है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिए। और आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मैंने लौकी लेके यहाँ पर रख दिया है जो कि मैं बनाने वाली हूँ। और सच में गाइस, जब मैं ये वीडियो कर रही थी, मैं सिर्फ लौकी का सब्जी नहीं, कुछ और भी बनाने वाली थी यहाँ पे, लेकिन कुछ और ही हुआ। आप देखते जाइए बाद में मेरे साथ क्या होता है। सच में ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो यहाँ पे मैंने उस लौकी को कट करके ऐसे सब्जी बनाने के लिए रेडी कर चुकी हूँ। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा आज का प्लानिंग, जो इतना बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते है, मैं एक हुड का पीस इतनी अच्छी तरह से साफ कर रही हूँ। और आपको देख के पता भी चल रहा होगा कि आज का मेरा प्लानिंग क्या है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको और भी अच्छी तरह से धो रही हूँ, क्योंकि मैंने इतना दिन हो गया था कि ये यूज़ नहीं किया। और ये सब देख के तो आपको पता ही चल रहा होगा कि मैं लौकी के साथ आज क्या मिक्स करके बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको अच्छी तरह से पीस कर रही हूँ। अभी तक तो मेरा प्लानिंग सही चल रहा था, लेकिन यहाँ से शुरू होता है मेरा प्लानिंग फ्लॉप, जो कि जब मैं ये काट रही थी तब मुझे थोड़ा थोड़ा स्मेल आ रहा था इससे। तो मुझे लगा कि शायद ये हुड पीस से आ रहा है स्मेल, जो कि मैंने इतना दिन हुआ था यूज़ नहीं किया हुआ। लेकिन थोड़ा देर बाद इसको अच्छी तरह से स्मेल करने से मुझे पता चला कि ये हुड से नहीं, ये चिकन से आ रहा है स्मेल। तो यहाँ पे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये मैंने प्लानिंग सुबह से ही किया था। सुबह में मैंने रोटी बनाया था, तो मैं शाम को चावल बनाऊँगी और चिकन बनाऊँगी, ऐसा प्लानिंग भी किया था। लेकिन यहाँ पे मेरा प्लानिंग सब कुछ फ्लॉप हो गया था। फिर भी कोई बात नहीं था, लेकिन एक ऐसा होता है ना, जो कि हम लोग सोचते हैं कुछ करने को, वो जाके एंड में नहीं होता है ना, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है। ऐसे ही मुझे भी लग रहा था। आगे में मुझे पता चल गया होता तो शायद मैं इतना बुरा नहीं लगता मुझको, मैं जाके फिर से लाके फिर से बना भी सकती थी। लेकिन अभी मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो बच्चे भी आने वाला था, वो भी सुबह में जल्दी जाने के चक्कर में उसने भी अच्छी तरह से खाना नहीं खाया था, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ही लेट नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे मैं उसी लौकी को थोड़ा और लौकी काट के बनाने का प्लानिंग कर रही हूँ। मुझे ये बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं था, लेकिन कोई और सब्ज़ी मैंने रेडी नहीं किया था, तो मुझे यही बनाना था। तो यहाँ पे मैं हमेशा की तरह एकदम सिंपल सा सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मैं हमेशा ही ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने पहली दाल भी बनाया है, जो कि यहाँ पे पक चुका है, तो इसका अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। और आज मेरा वो चिकन और लौकी का सब्ज़ी बनाने का प्लानिंग तो फ्लॉप हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं एकदम टेस्टी और इंटरेस्टिंग और यूनिक वाला दाल बना के आपको मैं वीडियो में दिखाऊँगी। तो ये वाला रेसिपी मुझे मेरी नानी ने सिखाया है, और ये मेरा सबसे फेवरेट डिश भी है, जो कि मैं हमेशा ही ऐसे ही बनाती हूँ। लेकिन मैंने अभी तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है कि इस तरह से दाल बनाने से इतना टेस्टी होगा। तो यहाँ पे मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। पहले आपको पहली दाल लेके उसको अच्छी तरह से धो के पानी डाल के उसको 10-12 सीटी लगाना है। उसमें कुछ भी नहीं डालना है, नमक तेल कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ उसको सादा सा पानी डाल के पकने तक सीटी लगाना है। और उसके बाद उसको आप निकाल के एकदम अच्छे से उसको मैश करना है, और उसमें आप 2 कप जितना पानी डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और फिर से 1 सीटी लगाना है। तो यहाँ पे मैं सीटी नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं खुले में ही मैं बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं मेरी छोटी बेटी के लिए निकाल रही हूँ, और उसको अभी तक मैंने मसाला नहीं दिया है, तो यहाँ पे मुझे सादा ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं सादा निकाल रही हूँ। ये दाल को मैं मेरी बेटी को चावल के साथ दूंगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही थोड़ा सा इसमें घी डालने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं उसके लिए 1 कप जितना निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे मसाला रेडी करना है। तो यहाँ पे मैं डारू में ऐसे करके मसाला रेडी कर रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बड़ा बर्तन में भी कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही करना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा दादी भी पहले इसी तरह से करती थी।
तो यहाँ पे आपको एकदम सावधानी बरतनी चाहिए और वीडियो को बिना स्किप किए आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मैंने पहले डारू को हीट किया हूँ और थोड़ा सा तेल डाला हूँ और आग खुद ब खुद इसमें थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा सावधानी से कीजिए। और यहाँ पे मैंने डाला हूँ लहसुन जो कि ये हमारी दाल को चार चांद लगा देगा। यही था जो मेरी दादी ने मुझे सिखाया था, यही है मेरा सीक्रेट जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी चाहे तो ये एक बार ज़रूर करके ट्राई कीजिए। आप ये ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में थैंक यू लिखना मत भूलेगा। और यही है इस दाल का सीक्रेट रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, इसमें नमक और हल्दी डाल के इसको फिर से मैं सीटी लगा रही हूँ। थोड़ा सा आप चाहे तो इसमें कच्चा लहसुन भी डाल सकते हैं, उसको और भी टेस्टी कर देगा। और यहाँ पे मेरा दाल पक चुका है तो यहाँ पे मैं इसको सीटी खोल रही हूँ। तो ये मैं लूँगी राइस के साथ जो कि मैंने आगे में ही बना के रेडी कर चुकी हूँ। और एक इंग्रेडिएंट्स तो मैं भूल गई थी, इसको घी डालना मत भूलेगा, वो भी देसी घी। मेरे पास देसी घी है तो आप चाहे तो कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी बहुत टेस्टी लाता है इसमें। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। और ये दाल आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ। अगर आप चावल के साथ खा रहे हैं और आपके पास सब्जी भी नहीं है तब भी ये इतना ही टेस्टी लगेगा। और मैंने तो ये चिकन के साथ खाने के लिए बनाया था लेकिन मेरा आज का प्लान फेल हो गया, आपको पता ही है। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ बनके रेडी हुआ है, लेकिन अब बारी आता है मेरा छोटी बेटी का जो कि अभी तक नहीं पकाया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक राइस ले रही हूँ और लौकी का सब्जी। इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा नमक ही डालना है। नमक भी बहुत थोड़ा सा डालती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसको यहाँ पे चढ़ा देती हूँ आग में। तो यही था आज का मेरा लंच जो कि मैं अभी प्रिपेयर कर चुकी हूँ सब कुछ। अब इतने टाइम तक मैंने मेरी बेटी को नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम मेरी बेटी को दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बेटी एक साल को होने लगी है, वो थोड़ा थोड़ा चल सकती है, थोड़ा थोड़ा बाँह में भी सर सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही है मुझे देख के। अभी वो बोल रही है कि मुझे उठाओ, बाहर में घुमाओ। इतने टाइम जो हो गया था मैंने उसको कुछ भी नहीं किया था, तो अभी मैं उसको थोड़ा सा टाइम देके उसके साथ खेलूँगी। तो ये था मेरा आज का फुल डे का वीडियो। तो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आऊँगा और थोड़ा अच्छा अच्छा रेसिपी भी लेके आऊँगा। और आपको मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा परेशानी हो गया होगा समझने में, क्योंकि हमारा मदर टंग नेपाली है तो हम लोग घर में नेपाली ही ज़्यादा बात करते हैं, तो हिंदी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऐसे बात करने में। बाद में ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि ऐसे रिकॉर्ड करना, वॉइस रिकॉर्ड करना, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा हिंदी अच्छी तरह से बोल नहीं पाते, यानी कि मैं बोल नहीं पाती हूँ और लोग तो बात कर लेते हैं इजीली, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होता है बात करने में। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा ही लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।